एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते करते बिल्कुल थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कुछ और करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी रहती है कि हमें सारा काम करना पड़ता है। उस सिचुएशन में हमें ये लगता है कि अगर कोई टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाए जिससे बहुत ही आसानी से काम हो जाए तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। आज हम उन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा लेकर आए हैं, यानी कि सभी काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स और टिप्स अपना करके बहुत ही आसान तरीके से अपना काम आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम काम जब करते हैं तो डेली का वही काम रहता है, किचन में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना और साफ़ सफाई करना, ये सारा काम हमेशा डेली का ही रहता है। लेकिन अगर हम वही काम थोड़ा इधर उधर करके करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा भी जाता है और समय की भी बर्बादी होती है। अगर हम वही काम थोड़े से टिप्स अपना करके कर लें तो वो काम बेहद ही आसान हो जाता है और घंटों का काम मिनटों में, चुटकियों में हो जाता है ख़त्म। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम कुकर में दाल पकाते हैं, अगर हम वैसे पतीले में दाल पकाएं तो बहुत सारा टाइम जाएगा। कुकर में पकाते हैं तो बहुत ही जल्दी पक जाता है, सब्जी भी बनाना चाहते हैं तो सब्जी भी बन जाती है। लेकिन अगर हम वही कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत समय जाता है और साथ ही साथ गैस भी ज़्यादा लगता है। कुकर में बनाएंगे तो गैस की भी बचत होगी और हमारा समय भी बचेगा। तो दोस्तों, क्या होता है जब हम दाल वगैरह पकाते हैं तो सीटी के बाहर, यानी कि जब प्रेशर, ये सीटी बनती है, प्रेशर इसमें बनता है कुकर में, उसके बाद ये जब ऊपर उठता है, सीटी आती है तो बाहर भी फैल जाता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्या होती है। इसे धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से ना धुलें तो भी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कुकर फटने का भी डर बना रहता है, क्योंकि जब हम इसकी सीटी वगैरह अच्छे से निकाल करके साफ नहीं करेंगे, कुछ फंसा रहेगा तो ये दगने का चांस रहता है। तो इसलिए इसे हमें अच्छे से क्लीन करना होता है। टूथब्रश तो हम रखे रहते हैं, टूथब्रश की मदद से हम इसे साफ तो करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसकी अंदर अंदर क्लीनिंग हम कैसे कर सकते हैं? दवाई का खाली रैपर इस पर रखते ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इस तरीके के खाली रैपर को फेंक देते हैं, लेकिन आपको फेंकना नहीं है कतई, आपको क्या करना है, इसे ले लेना है और इसकी मदद से आप कुकर बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाल करके रगड़ेंगे तो जो अंदर के साइड में थोड़े बहुत कूड़े कचड़े रहेंगे वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाएंगे। रहा ना कमाल का आइडिया, इस तरीके से आप कुकर के ढक्कन को बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है माचिस को लेकर के। दोस्तों, पूजा करते समय या कहीं पर भी हम माचिस जब जलाते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद वहीं फ्लोर पर हम इसे फेंक देते हैं तो फ्लोर हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है। तो ये फ्लोर गंदा ना हो और साफ सुथरा बना रहे, इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपका फ्लोर कभी भी गंदा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ले लेना है भरी हुई माचिस और एक ले लेना है खाली माचिस जिसमें एक भी तीली ना हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है डबल साइड टेप और टेप को माचिस के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको ये ऊपर से इसका टेप हटा देना है और फिर ऊपर से दूसरी वाली माचिस रख देनी है। दोनों माचिस आसानी से चिपक जाएंगी। अब आप जब भी जलाएंगे माचिस, जब भी आप माचिस को जलाएं तो ये देखिए, उसके बाद बुझा करके इसे आप खाली वाले पैकेट में डाल दें। जब ये भर जाए तो इसे फेंक दीजिए और आपका फ्लोर भी नहीं गंदा होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, नहीं तो बार बार वहाँ पर साफ करना होगा। इस टिप्स द्वारा आप अपने फ्लोर को बहुत ही अच्छे से क्लीन रख सकते हैं। आई होप कि आपके यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं हम अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के ऑल आउट को लेकर के। दोस्तों, गर्मी का सीजन चल रहा है,
इस सीजन में और बारिश के सीजन में मच्छरों की तो बरसात होती रहती है। इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है तो इसलिए मच्छर कम हैं। लू चल रही है, लू में मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है वैसे ही मच्छरों का आना शुरू हो जाता है। दोस्तों मच्छर बहुत काटते हैं, लेकिन हमें मच्छर से बचना भी चाहिए होता है। या तो हम मच्छरदानी लगाएं, मच्छरदानी सभी लोग लगाते नहीं हैं क्योंकि किसी किसी को उसमें घुटन होती है, तो मच्छरदानी अगर नहीं लगाते हैं तो वो ऑल आउट जलाते हैं। अगर लाइट नहीं रहती है तो मार्टिन जलाते हैं। ऑल आउट आप जब भी जलाएं, लोग बताते हैं कि शाम के टाइम एक बार घर में कपूर का धुआं जरूर करना चाहिए, इससे घर की निगेटिविटी दूर रहती है। तो घर की निगेटिविटी दूर करने के लिए आपको कपूर जलाना पड़ेगा। आप आज से आपको कपूर जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस तरीके से जब भी आप ऑल आउट लगाएं, उसके बाद आप ले लीजिए कपूर की टिकिया और इसके ऊपर रख दीजिए। जैसे जैसे इसमें से धुआं निकलेगा मार्टिन वाला, वैसे वैसे धीरे धीरे ये कपूर पिघल जाएगा और इसका सारा धुआं आपके घर में फैल जाएगा। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। आई होप कि आपको यह टिप्स भी पसंद आए होगा। टिप्स पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और आप किस देश से किस शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।